अच्छा नहीं लगता, अपने वजन के मुताबिक बात करो। इतनी घटिया सियासत भी कोई कर सकता है? तो आसिफ साहब को मैं बता देना चाहती हूँ कस्बे के लोगों को कि आपको कैसे चांस मिला प्रेसिडेंट बनने का, वो सारा कस्बा अच्छी तरह जानता है, और आपकी कंट्रीब्यूशन भी क्या है वो भी सबको पता है। जो पोस्टर लगे थे पार, हाँ हमने उसकी कंप्लेंट, आप ऑफिशियल कंप्लेंट हम कल कर रहे हैं, अभी तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में इस चीज़ को लाया है, और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस मसले को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एक्चुअली बहुत छोटे लोग, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये जमहूरियत है, जमहूरियत में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन बड़ा बहुत ही छोटी जहन के कुछ शख्स ऐसे हैं जो इस सियासत में आ गए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये सबसे ज़्यादा बदकिस्मती इस कस्बे की है। कल यहाँ पे तौसीफ रैना ने एक इल्ज़ाम लगाया कि जिस तरह से तौसीफ रैना का ये कहना है कि बड़े सियासतदानों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बच्चा है अभी, नए नए दांत निकले हैं उसके, उसको क्या पता है सियासत किस बला का नाम है। जिस तरीके से मिस रिप्रेजेंट किया उसने बेग साहब के बयान को, जब मैंने पूरा वो सुना नहीं, लेकिन आई थिंक हमारे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था, हमारे किसी भाई ने, कि कस्बे का कैंडिडेट होना चाहिए कुछ समथिंग लाइक दैट, तो उस पर उन्होंने कहा जो इस किस्म की सियासत करते हैं गांव, शहर, मज़हब पे, रीजन पे, वो इलिटरेट हुए या यू नो समथिंग लाइक दैट। फिर उस पर तोड़ मरोड़ करके हमारे तौसीफ साहब ने पेश किया उसको, तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि इतनी घटिया सियासत भी कोई कर सकता है। तौसीफ साहब को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, सारी ज़िंदगी बेग साहब ने इस कस्बे में गुजारी है, और कस्बे के लोगों के दिल में उनकी कितनी मोहब्बत है ये सबको मालूम है, तो अच्छा नहीं लगता है। अपने वजन से ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, शूटती नहीं जी। अच्छा नहीं लगता, अपने वजन के मुताबिक बात करो, जितना आपका वजन है। अब ये बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है कस्बे के लोगों को कि आपको कैसे चांस मिला प्रेसिडेंट बनने का, वो सारा कस्बा अच्छी तरह जानता है, और आपकी कंट्रीब्यूशन भी क्या है वो भी सबको पता है, आपकी देन क्या है वो भी सबको मालूम है, और कितने बड़े स्टेचर के लीडर हो, आपके बयान से तो सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा। मुझे नहीं उसके लेवल पे आना चाहिए था, लेकिन अभी इस किस्म का उसने शुरू कर दिया नॉनसेंस, और उसको लगता है कि ये कस्बे के लोग जो हैं इसको नहीं पता है यहाँ कितने संजीदा किस्म के लोग रहते हैं, उसको नहीं पता है यहाँ पे इस कस्बे ने या इस बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी ने कैसे कैसे लोगों को जन्म दिया है, किस किस्म के लोग यहाँ सियासत में रहे हैं। उसको जुमा जुमा 8 दिन हो गए सियासत में आए हुए, तो वो सोचता है कि ये इसकी जागीर बन गई है, जो मर्जी वो करेगा, जैसे मर्जी करेगा, अगर उसको किसी की पिट है तो अपने पास रखे वो पिट। जमहूरियत में हर एक को हक है इलेक्शन लड़ने का, आप अपनी पॉलिसी बताइए, आप क्या करना चाहते हैं नौजवानों के साथ, ये करना चाहते हैं जो मुझे शिकायतें आई हैं, जो आप कर रहे हैं लोग नौजवानों के साथ, आप ये करना चाहते हैं? वैसे वो बड़े मशहूर हैं लड़कों को उठाने में और पिटाई करवाने को, लेकिन उसको गलतफहमी है। अल्लाह, आप याद रखना ये कस्बे का नौजवान अपने वोट से बदला लेगा, जो पिछले 3 साल 4 साल से जुल्म किया है यहाँ के नौजवानों को, पकड़ दकड़ पकड़वाना, पिटाई करवाना है, वो क्या समझ रहा है? समझता क्या अपने आप को? जाए इलेक्शन लड़े, लोग उसको मैंडेट देंगे तो सराकों पे, इसमें क्या है? लेकिन अपने वजन से ही बात करें तो अच्छा है। मुझे नहीं आना था उसके लेवल पे, अभी छोटा बच्चा है, नए नए दांत निकले उसके, दूध के दांत है अभी जी। दीदी आज राजा एजाज अली खान ने भी जी जी इसके बारे में आप क्या? अब उनका शुक्रिया, भाई हैं, दोस्त हैं बेग साहब के, बहुत सारे लोग और आना चाहते हैं बेग साहब के साथ, वक्त की कमी है, तो बेग साहब को जाहिर सी बात है ये जो इलेक्शन है हम कुछ लोगों ने बड़े जबरदस्ती लड़वाया, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बेहतरी हो जाए, कुछ मिले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, एक बड़े मकसद के लिए हम चाहते हैं कि काम हो उनका आना। मैं अपील करती हूँ, ग्रेटर बारामूला का ख्वाब अल्लाह ने चाहा और बारामूला के लोगों ने चाहा तो इंशाल्लाह बेग साहब ही पूरा करेंगे, इंशाल्लाह। अपील करती हूँ बारामूला के लोगों को, आपके थ्रू मैं अपील करना चाहती हूँ कि हम कश्मीर के लोगों ने बड़ा जुल्म और जबर देखा है, अच्छी आवाज जो है बहुत जरूरत है असेंबली में, अक्रॉस पार्टी लाइन में कहती हूँ, अक्रॉस पार्टी लाइन कहती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा रिश्ता है उनके साथ सियासी रिश्ता है या जाती रिश्ता है, लेकिन सेंसिबल आवाज और एक जो बात कर सके, हमारे नौजवानों के बड़े मसले मसाइल हैं, जबान तक नहीं खोल सकते हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज कोई मजबूरी नहीं थी, हमारी कोई कंपल्शन नहीं थी, लेकिन हमें मालूम है कि मेरी ये सोच है कि एक पॉलिटिशियन जो होता है या जो लोगों की खिदमत वाकई करना चाहता है, जब लोग मुश्किल में है तो उसको अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। थैंक यू।